Hello, good morning children. This is my third video of chemical kinetics. Chemical kinetics, as you know, this is a branch of science which deals with the study of rate of chemical reaction, factor affecting rate and mechanism of the reaction. It means second part, chemical kinetics gives us the rate, the various factor affecting the rate of reaction. Rate of reaction को हम बता चुके हैं दो वीडियो में, जिसमें बताए थे कि rate of reaction क्या है और graph के help से कैसे उसको हम represent करते हैं. आज हम बताने के लिए जा रहे हैं जो what are the factors that influences the rate of chemical reaction. Although there are many factors, but as per your syllabus, 8 factors are given. Here, all the factors are listed here. I am going to explain all these factors. First factor is nature of reactant. Nature means reactant is any compound or it is covalent compound. As you know, that in chemical reaction mein hota kya hai? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग. जिसका बॉन्ड ब्रेकिंग जल्दी हो जाए उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत जल्दी होगा. जिसका बॉन्ड ब्रेकिंग में कुछ टाइम लगे उसके रिएक्शन में कुछ टाइम लगेगा. इसीलिए बताया गया है जो आयनिक रिएक्शन जो होता है दे आर वेरी फास्ट इन कंपेरिजन टू द कोवेलेंट रिएक्शन. Simple example, you know that sodium chloride solution, when we add silver nitrate solution, immediately it forms white precipitate of AgCl and NaNO3. Solution. This is example of precipitation reaction. This is very fast reaction. इसका rate of reaction जो होता है बहुत ही fast होता है, क्योंकि NaCl में sodium और chlorine के बीच में जो electrostatic force of attraction है, जैसे ही उसको पानी में हम डालते हैं वह ब्रेक कर जाता है और सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, सोडियम आयन एंड सीएल माइनस आयन यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पर एजी प्लस और नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है. सो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स इमीडिएटली, इट फॉर्म्स एजीसीएल. क्योंकि बॉन्ड तो पहले टूटा हुआ है तो एजीसीएल बहुत जल्दी बनता है, इसीलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है. इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन, इट फॉर्म 2NH3, ये 3H2 बैलेंस करने के लिए 3H3. यहां पर नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, तो यहां से दोस्ती खत्म हो रही है, यहां से दोस्ती खत्म हो रही है और एक नया दोस्त बनने जा रहा है. तो इसमें कुछ टाइम लगेगा दोस्ती को टूटने में और नया दोस्त को बनाने में कुछ टाइम लगेगा, इसीलिए इसका रेट जो है वो स्लो होता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट. कम टू आवर सेकेंड फैक्टर, दैट रेट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट. फिजिकल स्टेट किसी मैटर का कितना होता है हम लोग जान चुके हैं. सॉलिड लिक्विड गैस होता है, यहाँ पर हम प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का बात नहीं करने जा रहे हैं. तो ये देखा गया है
the rate of reaction for gaseous substance is more than liquid substance than solid substance. G stands for gas, L stands for liquid, and S for solid. कोई भी सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है और लिक्विड फॉर्म में उसके बाद और सॉलिड फॉर्म में उसके बाद. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है कोलिजन. इसको हम पढ़ेंगे हम कोलिजन थ्योरी में. जब तक मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करता है ये केमिकल रिएक्शन नहीं होता. कोलाइड करने में ही हर कोई कोलिजन से केमिकल रिएक्शन होगा ये भी जरूरी नहीं है. इसमें नया टर्म है इफेक्टिव कोलिजन. जो कोलिजन इफेक्टिव होता है वही प्रोडक्ट बनाता है. तो यहाँ पर कोलिजन ही ज़्यादा होता है. हम जानते हैं कि गैसियस में मॉलिक्यूल्स जो है सो स्लोली लूजली पैक्ड होता है, इसमें क्लोजली पैक्ड होता है. इसलिए इसमें कोलिजन ज़्यादा होता है, इसलिए इफेक्टिव कोलिजन भी ज़्यादा होगा. इसमें कोलिजन कम होगा सो इफेक्टिव कोलिजन कम होगा, और इसमें सबसे कम कोलिजन होगा. यही कारण है जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दिस फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट. अब देखो थर्ड फैक्टर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. ऐसा क्यों होता है? आप सिंपल एग्जांपल देखते हैं. जबकि हम लोग शरबत बनाते हैं तो अगर हम शुगर का क्रिस्टल डालते हैं एक चम्मच ग्लास में, एक चम्मच शुगर का क्रिस्टल और एक ग्लास पानी में डालते हैं और उसको मिलाते हैं, फिर एक चम्मच शुगर का पाउडर मिलाते हैं नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर में, तो किस में जल्दी शुगर डिजॉल्व करता है? बोलो. ऑब्वियसली जल्दी डिजॉल्व करेगा अगर शुगर का पाउडर रहेगा. ऐसा क्यों? अगर शुगर को अगर हम पार्टिकल्स अगर हम क्रश कर दिए तो इसका सरफेस एरिया बढ़ा कि घटा? ये बताओ. उसका पार्टिकल का साइज घट गया लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया. इसको ऐसे देखो, ये देखो हमारे पास में एक मार्कर पेन है, इसको यहाँ से हम तोड़ दिए तो इसका एरिया बढ़ा कि घटा? दिखाई पड़ रहा है कि इसका साइज घट गया, लेकिन साइज घटा लेकिन एरिया बढ़ गया. क्योंकि अभी इस एरिया को हम तोड़ नहीं कर रहे थे, तोड़ने के बाद दो नया एरिया बन गया. एक एरिया ये बना, एक एरिया ये बना. इसीलिए कोई भी सब्सटेंस को अगर आप पाउडर फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो उसका पार्टिकल का साइज घटता है लेकिन सरफेस एरिया बढ़ता है. तो सरफेस एरिया के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. और एग्जाम्पल आप देखिए, जबकि हम कोयला को जलाते हैं तो करते क्या है, कोयला को स्मॉलर पीस में हम चेंज करते हैं, इससे जल्दी आग पकड़ता है. आग पकड़ना क्या है, ये भी केमिकल रिएक्शन है, कार्बन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से. लेकिन अगर कोल का साइज छोटा होगा तो आग जल्दी पकड़ेगा, क्योंकि कोल का साइज छोटा होने का मतलब है जो सरफेस एरिया को हम बढ़ा रहे हैं. अब देखो ये है थर्ड हो गया. अब फोर्थ देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अब वेल नोन रिएक्शन इससे तो आप परिचित हैं, बहुत पहले से बचपन से परिचित हैं. CH4+Cl2 सनलाइट ये बनता है CH3Cl+HCl, इसे बोलते हैं डिफ्यूज सनलाइट. ये बताओ यहाँ पर बुक में आपको HNu लिखा रहता है, इसका नाम जानते हैं? ये फोटोन है, ये फोटोन है. H स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट,
and न्यू स्टैंड फॉर फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? फोटोन का एनर्जी ज्यादा है तो केमिकल रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, मतलब मिथाइल क्लोराइड जल्दी बनेगा अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर ज्यादा रहेगा. 1, 2, 3, 4 अब देखो फिफ्थ फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ये बताओ कैटलिस्ट क्या होता है? व्हाट इज कैटलिस्ट? है कुछ यार? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके प्रेजेंस होने से केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ता है, कभी कभी घटता भी है. कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस which when present increases or decreases the rate of chemical reaction without directly being consumed. This to know. Catalyst is a foreign substance added to the chemical reaction to speed up its rate or retard to decrease its rate without directly being consumed. इसका मतलब है इतना कैटलिस्ट हम लेते हैं रिएक्शन के बाद, इतना कैटलिस्ट हमको भी बाहर निकल जाता है, कैटलिस्ट का कोई लॉस नहीं होता है, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट. प्रायः हम पॉजिटिव कैटलिस्ट का ही बात करते हैं, जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो घटाता है उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट. तो प्रायः हम पॉजिटिव का बात करते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है. अब हमको जानना है जो कैटलिस्ट करता क्या है जिससे कि केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है. अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ लीजिएगा, ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, ऐसा रिएक्शन इसमें कैटलिस्ट का यूज किए हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट का कोई यूज नहीं किए हैं, तो आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा. ये जो है, ये है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन और ये है कैटलाइज्ड रिएक्शन. कैटलाइज्ड रिएक्शन मतलब जबकि हम कैटलिस्ट का यूज किए हैं तब का ग्राफ है, जब कैटलिस्ट का यूज नहीं किए हैं तब का ग्राफ है. ये रिएक्टेंट हुआ और मतलब प्रोडक्ट को ऐसे कर दो, ये हो गया प्रोडक्ट. तो जब हम कैटलिस्ट का यूज किए हैं, अब देखो ये जो पीक पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये जो एनर्जी है यहां से लेकर के यहां तक का इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो एनर्जी है दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. मतलब जब कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू घट जाता है. कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए जल्दी होता है तो कैटलिस्ट के यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू घट जाता है. ये देखो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू, ये वैल्यू जब कैटलिस्ट का यूज किए, और ये है जब कैटलिस्ट का यूज नहीं किए तो ये यहां पर पीक दिखाई पड़ रहा है. अब
रिएक्टेंट प्रोडक्ट कब जल्दी बना, जब भी कैटलिस्ट कम यूज किए। सो रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नंबर सिक्स फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, टेम्परेचर को घटाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन घटता है। सिंपल सा देखो, आप अपने किचन में आओ, गर्मी के टाइम में कोई भी फूड प्रोडक्ट जो है सो जल्दी खराब होता है, क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। अगर उसी को अगर फ्रीज में रखते हैं तो केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे होता है और अधिक टाइम तक सही स्थिति में रहता है। इसका मतलब हुआ जो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से इफेक्ट करता है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज है। इसको हम ज्यादा पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे हम आइनियस इक्वेशन तब बताएंगे। जो टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने से ये देखा गया है जो रेट ऑफ रिएक्शन ये 2 times हो जाता है बाय राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। नंबर 7 पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम अलग से भी आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर इतना देखो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन घटता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम रेट लॉ में बाद में पढ़ेंगे। लास्ट फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसको देखो HCOOH ये जब आयनाइज करता है HCO- प्लस H प्लस और ये हो गया एसिटिक एसिड, ये जब आयनाइज करेगा तो एसिटेट आयन बनाएगा और H प्लस। ये देखा गया है जो रेट ऑफ रिएक्शन और O और इसमें ज्यादा होता है, रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और ये स्लोली होता है, दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन ही है, ऑल आर रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन ये जल्दी होता है और ये स्लोली होता है। क्यों? ये जो है प्रोडक्ट इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, फॉर्मेट आयन इज मोर स्टेबल देन एसीटेट आयन। इसको पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा क्यों होता है, वहां पढ़ेंगे जो इंडक्टिव इफेक्ट का रोल है यहाँ पर, जिसके चलते ये फॉर्मेट आयन ज्यादा होता है स्टेबल और ये होता है कम स्टेबल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ का हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।